सुबह से ही भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर श्रद्धालुओं का जल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। श्रावण मास को दूसरे सोमवार को कई जगह से यहां पर कांवड़ यात्राएं भी आती हैं और कांवड़िए कांवड़ में जल लेकर आते हैं और भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करने के लिए यहां दूर दूर से कांवड़िए भी आ रहे हैं जो कि कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं और यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। प्रदेश के तमाम मंदिरों में देखा जाता है कि सुबह से ही महिलाएँ और पुरुष और बच्चे सभी यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए जलाभिषेक करने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर एक विशेष नोट लगाया गया है और सभी श्रद्धालु उसका भी ध्यान रखें, उसमें कटी फटी जीन्स ना पहन कर आएँ, मर्यादित तरीके से आएँ और सोशल मीडिया के लिए रील्स ना बनाएं। इसके लिए भी विशेष यहाँ पर ये देखिए विनम्र अनुरोध किया गया है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेंद्र धनौतिया, इस वक्त मंदसौर में मौजूद हैं। नरेंद्र, आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और आपका सौभाग्य देखिए, आप फिर बाबा के धाम पहुंच गए। श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और श्रावण मास जब शुरू हुआ था तो उस समय लोगों के चेहरे पर बड़ी चिंता थी कि श्रावण मास शुरू हो चुका है लेकिन बारिश के अते पते नहीं है। लोगों ने प्रार्थना की, भगवान पशुपतिनाथ के यहाँ प्रार्थना की, पास में ही तापेश्वर मंदिर है, उनको भगवान भोलेनाथ को जलमग्न किया गया, कई तरह के टोने टोटके किए गए और आखिरकार मेघ जो है बरसे और जमकर के बरसे। क्षेत्र में खुशी का माहौल है और श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बड़ा खुशी का माहौल इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान पशुपतिनाथ के जो चार गेट है, चारों गेट पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगी है, दर्शन के लिए बड़े कतार में लगे हैं। भगवान भोलेनाथ की आरती अभी चल रही है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चारों मुख जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों मुख पर श्रद्धालु जो है अभी आरती में शामिल हो रहे हैं और चारों मुख से भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में ही मौजूद है जहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव अष्ट रूप में दर्शन देते हैं। नेपाल में जो भगवान पशुपतिनाथ महादेव है उनके चार मुख है लेकिन मंदसौर में जो भगवान भोलेनाथ विराजित है पशुपतिनाथ, उनके आठ मुख है। और श्रावण मास के दूसरे सोमवार को बड़ा ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर देखा जा रहा है। सुबह 5 बजे पट खुल गए थे तब से यहाँ पर आरती, रुद्राभिषेक और कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मनोकामना अभिषेक यहाँ पर चल रहा है जिसमें कई जोड़े यहाँ पर शामिल हो रहे हैं मनोकामना अभिषेक में और बड़ा ही उत्साह का वातावरण है। नरेंद्र, अगर संभव हो, चूंकि आज सोमवार का दिन है, काफी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए, अगर संभव हो तो हमारे दर्शकों को भी दर्शन करवाइए। ये सवाल फिर से दोहराए, सवाल ये दर्शन कराइए अगर हमारे दर्शकों को हो सके तो, चूंकि हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, काफी जद्दोजहद वहां पर श्रद्धालु कर रहे हैं, लेकिन अगर संभव हो तो दर्शन कराइए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं कि बिल्कुल गर्भगृह के हम पास में खड़े हैं और दर्शन करवाते हैं भगवान भोलेनाथ के, कि जो हमारे श्रद्धालु है जो मंदिर में नहीं पहुंच पाए हैं वो इस लाइव के माध्यम से दर्शन करेंगे। आप थोड़ा सा जगह दीजिए जी, जो श्रद्धालु यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं उनको दर्शन करवाते हैं। थोड़ा हटिए, अंदर आने दो, थोड़ा कैमरा आने दीजिए, कैमरा ये देखिए, आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन के दर्शकों को हम करवा पा रहे हैं। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के सीधे दर्शन हमारे श्रद्धालु कर पा रहे हैं। ये जो दर्शन कर रहे हैं आप, पश्चिम मुख के दर्शन है और पश्चिम मुख में भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जो जवानी वाला स्वरूप है, जो स्वरूप कहा जाता है, उसके दर्शन हम अपने बिल्कुल मगन है भगवान की भक्ति में और यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त अंदर मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं, गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं और दर्शन कर रहे हैं अष्टमुखी पशुपतिनाथ के। और देखिए आशीष, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है सुनने में भी जो भजन गाए जा रहे हैं, मानिए कि सभी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमारे श्रद्धालुओं के लिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस दर्शन कराने के लिए और भगवान भोलेनाथ की इस छवि को देखकर